नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। दानवीर शूरवीर भामा शाह की जयंती शहर गया में तिलक साहू के बैनर तले सैनिक भवन टिकारी रोड में धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम के उद्घाटन नैना कुमारी अध्यक्ष जिला परिषद एवं जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी देवी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही साथ सशस्त्र जिला कमेटी में चुनाव हुआ। गया के जिला तिलक साहू सभा का संजू साव को अध्यक्ष चुना गया है एवं सभी कमेटी पदाधिकारी एवं महिला कमेटी के पदाधिकारी का चयन किया गया है। जिला में सत्यवती देवी को महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में एवं प्रखंड के लोगों ने भाग लिया है। साथ ही बिहार से आए पद अधिकारी गण से बारी बारी से भामा शाह जीवन पर प्रकाश डाला। बताया कि सभी समाज के लोग इनके बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में उमेश प्रसाद अर्जुन, प्रसाद रंजन दास, सिमी प्रसाद, रेखा गुप्ता, कंचन गुप्ता, जिया लाल, कार्यक्रम की अध्यक्षता संजीव लाल ने की। गया शहर के सिंघरा स्थान स्थित देश के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म उत्सव विजय उत्सव मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल अर्पण व पुष्प अर्पित कर मनाया गया। इस मौके पर गया जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी, पूर्व सांसद हरिमान जी, रामजी मांझी, पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह, छबीला सिंह, क्षितिज मोहन सिंह, अरविंद सिंह, दिलीप सिंह, संतोष सिंह, विजय कुमार मिट्टू सहित राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, समाज कार्यकर्ता उपस्थित होकर बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर जयंती मनाई। इस मौके पर गया के सांसद सुशील सिंह बताया कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म उत्सव विजय उत्सव के रूप में देश मना रहा है और मेरा मानना है कि 1857 का युद्ध नहीं होता तो 1947 का युद्ध भी नहीं होता। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर योद्धा की जयंती देश मना रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक वर्ष पूर्व बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े पैमाने पर जन्म उत्सव विजय उत्सव के रूप में मनाई गई थी। इस मौके पर देश में समय पर भारतीय तिरंगा फहराया गया था, जो भारतीय तिरंगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। जो देश के लिए अपनों ने योगदान दिया है, अपनी बलिदान को न्यौछावर किया है, ऐसे वीर योद्धा के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उनको सम्मान दे रही है। उनकी प्रतिमा 2014 में स्थापित की गयी थी, तब से सभी लोग प्रत्येक वर्ष जयंती मनाते आ रहे हैं। सभी समाज के लोग इनकी जयंती मना रहे हैं। किसी धर्म में इनको बांटा नहीं गया। उन्होंने देश की आजादी दिलाने में अग्रिम भूमिका निभाई थी। गया शहर के स्वराजपुरी रोड स्थित श्री मोहन लाल बन्नेवाल सेवा सदन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बन्नेवाल समाज के द्वारा किया गया है। इस शपथ समारोह के मौके पर भारतीय वर्षी बन्नेवाल वैश्य महासभा के बिहार प्रदेश के नव निर्वाचित पद अधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर एवं फूल माला पहना कर स्वागत किया गया। भारतीय वर्षी बन्नेवाल वैश्य महासभा के समाज के लोगों के द्वारा बिहार प्रदेश अध्यक्ष सहित 91 लोगों को कार्यकारिणी सदस्य के लिए निर्वाचित किए गए थे, जिसके प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजू बन्नेवाल को निर्वाचित किया गया था। इस शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर गया सांसद विजय मांझी भी शामिल हुए। इस मौके पर भारतीय वर्षी बन्नेवाल वैश्य महासभा के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष राजू बन्नेवाल ने कहा कि बन्नेवाल समाज के लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किए, जिसके लिए अपने समाज के प्रति आभार प्रकट करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार सहित केंद्र में राजनीतिक निवेश में बन्नेवाल समाज को ओबीसी में रखा जाए, जिसको लेकर केंद्र सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने के नाते पूरे बिहार में भ्रमण कर अपने समाज के लोगों को एकत्र कर राजनीतिक से जुड़ने के लिए जागरूक करने का काम करेंगे। सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।
हैं।